तुझे कम दिया अल्लाह ने क्या? कम दिया क्या अल्लाह ने तुम लोगों? Why are you always comparing yourself with the world? Why? कितनी इंसल्ट है अपनी, कितना मतलब आप अपने आप, ये जुमला मेरी कौम को कहना चाहिए, मेरे लोगों को कहना, यार ये मेरे स्टैंडर्ड से गिरी, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे इनर लेजेंड के खिलाफ है, ये मेरे इंटरनल लेजेंड के खिलाफ है, ये मेरे अंदर के लेजेंड के खिलाफ है कि यार मैं मुकाबला नहीं कर सकता आपसे, मैं मुकाबला करना ही नहीं चाहता आपसे, मैं नेगेटिविटी का मुकाबला कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिविटी में मुकाबला करूंगा, मैं नेगेटिविटी का मुकाबला नहीं करूंगा, करूंगा आपके साथ जब आप बहुत ज्यादा गले तक आ जाएंगे, बट इट्स अगेंस्ट माई इनर लेजेंड, यू नो, इट्स अगेंस्ट माई इनर मॉरल्स एंड इट्स अगेंस्ट माई इनर वैल्यूज, कि मैं आपके लेवल पर आपसे, मैंने आपसे नफरत नहीं कर सकता, मारा है आपने, आप मार रहे हैं मुझे, कि मैं नहीं कर सकता भाई, बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे इन हालात से बाहर निकाले और मेरा आपसे, मेरी आपसे जान छुड़ाए इंशाल्लाह, अगर जंग होगी तो फिर जंगे बदल लड़ेंगे आपके साथ, तो वो लोग जो जिंदगी में सर उठा के जीना चाहते हैं, माशरे की ये हमेशा से रिवायत रही है, वो आपके गले घोंटेंगे, क्योंकि उन्हें डर है आपसे, क्योंकि वो अपने आप को नहीं कबूल कर सके, जो अपने आप को कबूल नहीं कर सकता वो आपको क्या कबूल करेगा जिंदगी, जो अपने आप को कबूल नहीं कर रहा होता वही मनफी बातें करता है ना, जो अपने आप से खुश नहीं होता वही अगलों को खुश नहीं देख सकता, जो अपने आप, जिसने खुद नहीं कुछ बनाया होता वो अगले को बनाते हुए क्या देखेगा, जो कभी जिंदगी में खुद नहीं कामयाब हुआ वो अगलों को कामयाब होते हुए कैसे देखेगा, जो कभी खुद नहीं कदम बढ़ा सका अपनी अपनी कायर और अपनी बुजदली से उन तूफानों के अंदर, वो क्या लोगों को तूफानों का रास्ता दिखाएगा, जिसने जिंदगी के अंदर दो ईंट का कुछ बनाया नहीं है वो लोगों को बनाने की बात करेगा, जिसने कभी खुद क्यादत संभाली नहीं है वो लोगों को क्यादत सिखाएगा, जिसने कभी लोगों का बोझ सरों पे उठाया नहीं हो वो लोगों को सरों पे उठाएगा, खदीजा रदी अल्लाह ने यही तो कहा था, आप कैसे कल्ला युखदी कल्ला हुआ, आप कैसे कुछ सोच सकते, आपने तो सारी जिंदगी बोझ उठाया गरीबों का, कमजोरों के हक में आपके बयान मौजूद है, आपने जंगें लड़ी हैं लोगों के लिए, आप मेहमान की मेहमान नवाजी करने वाले आदमी है, हक का साथ देने वाले आदमी है, सही बुखारी की हदीस है, आपके साथ कैसे बुरा हो सकता है, तो जिसने कभी जिंदगी में अपने ऊपर बोझ नहीं उठाया लोगों के, वो लोगों के बोझ क्या उठाएगा, जो खुद को कभी मुस्बत और पॉजिटिव बात नहीं कर सका वो लोगों को क्या पॉजिटिव बात करेगा, तो भाई कोई बंदा तुम्हें मारने आता है ना, और कोई बंदा तुम्हारे ऊपर यलगार कर रहा है और माशरा तुम्हारे रस्ते रोक रहा है, तो भाई उन पे तरस खा, उनसे अफेक्ट ना हो, तरस खा उनके ऊपर कि भाई ये फैसला किया इसने अपने लिए, ये चुना इसने अपने लिए, दिस इज व्हाट ही हैज सिलेक्टेड फॉर हिज ओन सेल्फ, ये घटियापन इसने एक्सेप्ट किया, लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम, इसको इतना ऊंचा बनाया था अल्लाह ने, सुम्मा रददनाहू असफला साफिलीन, ये देखें जाके बढ़ किधर गया, वेयर इज ही गॉन, वेयर इज ही डिग्रेडेड हिमसेल्फ टू, Why do you want to get angry? गुस्सा तो इंसान को तब आ रहा था ना जब इंसान उसका एक्ट देख रहा होता, जब इंसान उसकी नीयत देखेगा ना पीछे के, उसका पूरा मेंटल पैराडाइम और पर्सपेक्टिव और पर्सोना देखेगा, आदमी को तो रहम आ जाएगा उसके ऊपर।